आप खुश तो जहां खुश, लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपसे असंतुष्ट है तो क्यों है? क्यों अरमान टूटकर बिखर रहे हैं, कभी सोचा है आपने? आज अनगिनत लोग अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने के लिए डॉक्टर एस के जैन एवं डॉक्टर सारांश जैन से इलाज का लाभ ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। ये संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल। जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असलम रजा अब्दी और लेके आया हूं एक खास कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। दोस्तों, हम अपने बच्चों को सब कुछ बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन जब बात आती है सेक्स की तो हम कतराते हैं। ये कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों को सही दिशा दिखाने की जो सेक्स के मामले में इधर उधर भटक कर नादानियां कर बैठते हैं। और सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर एस के जैन, जो कि एक साइको सेक्सोलॉजिस्ट हैं। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान है। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। आइए स्वागत करते हैं मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन और एंड्रो करीज में। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग सवाल लेकर आते हैं कि उनके पेनिस पर घाव हो गया है, तो क्या इस घाव को सिफिलिस कहते हैं, और ये किसी टेस्ट द्वारा पता चलता है या केवल घाव हो जाने से आप पता लगा सकते हैं कि ये सिफिलिस है? बस आपसे ऑडियंस ने पूछा है, आज की जिंदगी के अंदर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। जो भी ये संक्रामक बीमारियां होती हैं,
एक दूसरे से एक दूसरे को फैलने वाली बीमारियां हैं। इसमें मेनली दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक होती है जिसमें एक होती है सिफिलिस। सिफिलिस के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत जगह पे कॉल गर्ल और समथिंग एल्स जाता है तो एक्चुअली क्या होता है कि मतलब उससे जो एक बैक्टीरिया होता है सिफिलिस के लिए दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो जब वो इन्फेक्ट करता है तो फर्स्ट स्टेज में वहां पे उंड ऑन द यू कैन से ग्लांस ऑफ द पेनिस है ना, यानी सिस्म के अग्र भाग पे मतलब जो है वो एक घाव जैसा बन जाता है और वो सिफिलिस कहा जाता है ऊपरी तौर पे। जबकि यदि बाई दिवे पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज में जाके इसके कई प्रकार के टेस्ट होते हैं और यदि उसको कंफर्म कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं खुद भी सलाह देता हूं कि इसको किसी पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में जाके टेस्ट करवा लें। जी जैसा right? आपने जी बात करी कि जो लोग बेथल्स वगैरह में या प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं उनमें ये उनमें अमूमन ये अमूमन पाया जाता है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जरिए या नेचुरल अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है जिसकी संभावना बहुत काफी रहती है। सो मेनी ऑफ द पर्सन मतलब जो वो कंप्लेन कर रहा था मैंने कंडोम यूज किया लेकिन वो कंडोम समथिंग रप्चर हो गया या कुछ ये हुआ, तो ये है कि मतलब आफ्टर ऑल मतलब जो वो गलत जगह तो गलत जगह है, है? तो व्हाई यू गो देयर है ना। एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द सच प्रॉब्लम देन यू हैव टू टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट बाई एनी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट एंड डू द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, फॉलो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बाई विच के इट कैन बी रूटली आउट फ्रॉम इट्स ऑरिजिन। डॉक्टर साहब, क्या 65 साल के आसपास की उम्र में संतान उत्पन्न करने की क्षमता आप कहेंगे कि होती है या इस एज में आते आते क्या शुक्राणु का बनना जो है खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, ऐसा कुछ आप इस बारे में बताएंगे? देखिए असलम साहब, जहां तक संतान पैदा करने वाली बात है तो स्पर्म्स कभी भी मतलब जो है वो एक बार अगर लाइव है किसी भी आदमी के अंदर तो वो डेड नहीं होते हैं है ना। ये क्षमता आप 65 साल की बात कर रहे हैं, लोगों के अंदर 70 या इससे ऊपर की उम्र में भी यूएसए ऑस्ट्रिया जापान कुवैत जैसे देशों में रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको 70-75 में भी संतान की प्राप्ति हुई है। तो क्वेश्चन इज दिस के मतलब यह वो जो स्पर्म्स हैं वो तो आदमी की बॉडी के अंदर मेंटेन रहते ही रहते हैं चाहे उम्र 65 हो या इससे ज्यादा हो या इससे कम हो। लेकिन देयर इज वन थिंग के अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑफ द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से जो स्पर्मेटिक काउंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो धीमे धीमे लेस होती जाती है। तो एट द पर्टिकुलर एज एज यू आर टोल्ड ऑफ द 65 इट कैन बी नॉर्मल और इट कैन बी लो, और इसको जब प्रॉपर एक पैथोलॉजिकल मतलब यह वो टेस्ट होता है उसके थ्रू जब देखा जाता है तभी इस चीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। बाद बाकी संतान पैदा करने की क्षमता का जहां तक सवाल है वो कभी भी आदमी के अंदर खत्म नहीं होती है, कम हो सकती है। ओके, अगर स्पर्म काउंट मान ले कम हो गया है तो क्या उसको बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत? बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। ओके, इतनी बेटर दवाएं हैं कि मतलब वो स्पर्म काउंट बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है क्योंकि साइंस में जो सर्वेक्षण हुए हैं अनुसंधान हुए हैं उसमें देखा गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मींस यानी स्पर्म को मल्टीप्लाई करना यानी उनकी क्वांटिटी को बढ़ाना जी संभव है। ओके डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों अभी कुछ अर्सा पहले राजस्थान के एक गाँव में बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो बाप बने थे और वो काफी खबरों में ये बात छाई हुई थी और उसमें कहा गया था कि वो ऊंट का दूध पीते हैं। क्या ऊंट के दूध और शुक्राणु का कोई आप ताल्लुक? हाल फिलहाल मेरी जानकारी में तो ऐसी बात नहीं है, बस मैं उनको शुभकामना देता हूँ जी डॉक्टर है ना, खुदा करे इसी प्रकार वो और इजाफा करते रहे, लेकिन मेरी जानकारी में या किसी भी साइंस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। ओके, कि ऊंट के दूध से शुक्राणु का कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। इसमें प्रॉपर दवाइयां होती हैं जो कि उसकी स्पर्म की संख्या को इंक्रीज करती है। जी डॉक्टर साहब, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर बढ़ती उम्र आपकी है 65 साल है तो आपको संतान की प्राप्ति ना हो, हाँ अगर लेस आपकी स्पर्म काउंट हो गई है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी समस्या को डिस्कस करें, आपकी स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ सकती है और आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आइए डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल है, एक अगली समस्या की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर नौजवानों में देखा जाता है कि वो मास्टरबेट करते हैं, तो जब वो मास्टरबेट करना रोक देते हैं, हस्त मैथुन करना रोक देते हैं, तो उनको स्वप्न दोष की जो है शिकायत शुरू हो जाती है, तो ये क्या समस्या है, ऐसा क्यों होता है? प्राचीन समय से
शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे आयुर्वेद में चारा सुश्रुत जैसे आचार्यों ने इस बात को पूरी तरीके से उल्लेख किया है कि कोई भी गंदी क्रिया या गलत क्रिया अंततः नुकसानदायक होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हस्त मैथुन पूरी तरह नुकसानदायक है, बट इन ए पार्ट ये सही है, बात बाकी अगर इसकी एक्सेस होगी तो ये हार्मफुल है। तो लिहाजा जब हैंड प्रैक्टिस आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा करना शुरू कर देता है, यू कैन से मतलब इन एक्सेस क्वांटिटी, तो होता क्या है कि फिर उसको ये प्रोसेस को एक लत को मतलब क्रिएट करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब ये मास्टरबेशन करना रोक देते हैं, वेरी राइट, तो इनको नाइट फॉल की वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यदि बाय द वे उसने कहीं पे उसको ये महसूस हुआ कि इससे मेरे अंदर अंगों का छोटापन हो रहा है या अन्य विकार पैदा हो रहे हैं या कमजोरी हो रही है, तो वो उसको रोकने का प्रयास करता है। और जब उसको रोकने का प्रयास करता है तो चूंकि सीबन का प्रोडक्शन तो है ही है, लिहाजा वो नाइटफॉल के जरिए बाहर आने लगता है। तो इसमें मैं अपने दर्शकों को इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि बाई दिवे नाइटफॉल, घबराना नहीं चाहिए, परेशान ना हो। अगर बाई दिवे आपको महीने में दो तीन हंस या चार बार हो रहा है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और बैलेंस डाइट लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत है आप मुझसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ लीजिए। और यदि बाई दिवे आपको जरूरत से ज्यादा हो रहा है, महीने में 28-30 बार हो गया, आपको फिजिकली मेंटली वीकनेस महसूस हो रही है, देन इट इज नेसेसरी कि आप इसका कायदे से समुचित अपना इलाज कीजिए। जी हाँ डॉक्टर, यहाँ पे जो है मैं आपको रोकूंगा। बहुत ही उत्साहपूर्ण डॉक्टर साहब ने मास्टरबेशन के से रिलेटेड सवाल का जवाब दिया और ये रोचक जो बातचीत है हमारी मास्टरबेशन और सेक्स से जुड़ी और समस्याओं और भ्रांतियों पर जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-0444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-444। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूँ यही है। डॉक्टर SK जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचा। इसी सपने का एक हकीकत रूप है सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर SK जैन की देखरेख में यहाँ उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर SK जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर SK जैन की क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए, दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर SK जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 05 22
4004444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935109999 और 09935562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936004444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। हमारे साथ हैं साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मास्टरबेशन की और उसकी नाइटफॉल की। एक और मुद्दा है डॉक्टर साहब कि अक्सर लोग जब टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट के साथ साथ एक गाढ़ा पदार्थ जिसे धातु बोलते हैं वो निकलता है, तो क्या ये कोई एक बीमारी है या कोई बीमारी के लक्षण है और क्या इसका रोकथाम जो है कोई है, इसका कोई ट्रीटमेंट है? देखिए, इसको आजकल की भाषा में स्पर्मेटोरिया कहते हैं और अपने आप में ये एक बीमारी है और इसी को आयुर्वेद के विद्वानों ने धातु प्रमेय की संज्ञा दी है। और जब दिमाग में जरूरत से ज्यादा कामुक विचार हो जाते हैं, फैंटेसी जरूरत से ज्यादा आ जाती है तो अंततः अति हर चीज को नुकसान करती है, शरीर को मन को कमजोर करती है। वीर के अंदर जो कंसंट्रेशन होना चाहिए उसकी जगह डाइल्यूशन होने लगता है और जब वीर जरूरत से ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है तो कभी कभी पेशाब के रास्ते से पहले बाद में या जोर लगाने पे वो चीज निकलती है पेशाब के रास्ते से। इसमें मरीज को घबराना नहीं चाहिए, ये कोई हवा नहीं है और इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और रात में सोने से पहले यदि दूध का सेवन न करें तो ज्यादा बेहतर है। और यदि इन बातों का वो पालन करते हैं तो मैं समझता हूँ ठीक हो जाता है, इसमें ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बात करी फैंटेसाइज करने की। आजकल बड़ी इजीली जो है नेट पे, इंटरनेट पे काफी ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल अवेलेबल है, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो खासतौर से जो नौजवान है जो इसमें लीन है तो वो कारण हो सकता है इन सब बीमारियों को दावत देने का? तो ऐसे में क्या कहेंगे उन नौजवानों से कि जो इसमें कुछ ज्यादा ओवर इंडल्ज है, तो किस तरह से वो अपना मन जो है इधर दूर करें, कोई प्रोडक्टिव चीज में लगाएं? यद्यपि ये बात सही है कि सफल सेक्स और सक्सेस का चोली दामन का साथ होता है, लेकिन उसके लिए ये भी आवश्यक है कि मन के अंदर अत्यधिक कामुक विचार ना आए, जिसे आप फैंटेसी कह सकते हैं या और जो जितनी पॉर्न साइट हैं और टीवी पे मैगजीन्स में काफी गंदे गंदे फोटोग्राफ देते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति को, मरीज को ये चाहिए कि अत्यधिक इनकी तरफ आकर्षित ना हो, बल्कि अपने करियर को ऊंचाई देने के लिए, तरक्की देने के लिए वो अपने को व्यस्त रखें। एक कहावत होती है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग ना रहने दें, अपने आप को अगर वो बिजी रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, अपने करियर को थोड़ा सा और अच्छा बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे तो अमूमन उनका ध्यान नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कही कि जो आजकल हमारा जो नौजवान तबका है जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल, जो इस तरह की मैगजीन या पत्र पत्रिकाएं में इस तरह के चीजें देखते हैं, उनको डॉक्टर साहब का कहना है और बहुत अच्छी बात है कि अपना ध्यान जो है अपने जो उनका कैरियर बिल्डिंग जो इस समय पीरियड है वो अच्छे प्रोडक्टिव चीजों में अपना ध्यान लगाएं, खेल कूद में लगाएं, अपने पढ़ाई को, अपने कैरियर को आगे ले जाने में लगाएं, ना कि ये इस तरह का जो चीप या पोर्नोग्राफिक मटेरियल है इसमें ज्यादा लीन ना हो, वरना कई बार बीमारियां आपको दस्तक देंगी या कई बार आप भ्रांतियों में पड़ जाएंगे। और अगर इस तरह की भ्रांतियां या इस तरह की आपको समस्याएं हैं तो ये प्लेटफॉर्म है, ये कार्यक्रम है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एक और समस्या हमारे पास अक्सर आती है कि अक्सर लोग इंटरकोर्स करने के बाद ये
देखते हैं कि उनके पेनिस के आसपास जो है वो छोटे छोटे दाने से निकल आए हैं, अपीयर हो गए हैं, विजिबल होते हैं, तो ये क्या है? जैसा आपने बताया कि यदि इंटरकोर्स के बाद में पेनिस पेनिस पे नहीं निकलते हैं, एक्चुअली वो ग्लांस ऑफ द पेनिस होता है, दैट इज द अपर पोर्शन ऑफ द पेनिस यू कैन से, तो ये है कि यदि बाई दिवे दाने वहां पे हो जाते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी से कि दिस इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी जितना प्रोटेक्शन लेना चाहिए था उतना नहीं लिया गया। अब यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि आदमी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में यानी अपनी मिसेज के साथ में इंटरकोर्स करता है तो समथिंग ऑफ द हीट ऑफ द सीमन और हीट ऑफ द वेजाइनल फ्लूइड व्हाट देयर आर सिक्रीशन आज देयर, तो उसकी वजह से भी मतलब जो है वो दाने हो जाते हैं, दो चार दिन नॉर्मल वो अपने आप दो चार दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि बाई दे वे पर्टिकुलर व्यक्ति किसी कॉल गर्ल के पास गया है, किसी प्रॉस के पास में गया है, तो बट नेचुरल है कि वो दाने इन्फेक्टेड होते हैं और उसके लिए मरीज को कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, किसी पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में जाके उसकी जांच करवानी चाहिए और उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट है अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि ये परेशानी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग वंडरफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स एंड सेक्स एजुकेशन। और अगर आपकी भी कोई समस्या है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम आपका नाम और पता गुप्त रखेंगे। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही है, आरज़ूएं बेकाबू हो रही है, तब कहां हैं हम, कहां है हमारे सपने, कहां है हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम भटकाव ज्यादा हैं। तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को? जनाब इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर एस के जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस के जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। तमाश बीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने, डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए यह है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है, तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए
रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलत फहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम, जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपनी अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिए, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935109999 और 09935562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-0-4444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444। दोस्तों, आपने जाना डॉक्टर एस के जैन के बारे में। आज बस इतना ही इस एपिसोड में। कल अगले एपिसोड में आपकी और समस्याओं के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। चेहरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल। जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ।
ये है एबीपी न्यूज नेटवर्क।